हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर आर कुकिंग चैनल। हमेशा की तरह कुछ नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ हम बनाएंगे आज कुरकुरे स्पाइसी चटपटा सा, जो मार्केट में मिल जाता है वही घर में कैसे बनाएं, चलो आज मैं शेयर करती हूँ। तो जिसके लिए यहाँ हमें लगेगी एक बड़ी सी कढ़ाई जो मैंने ले ली है, और इंग्रेडिएंट्स में हम देखेंगे दो बाउल मैंने यहाँ राइस फ्लोर यूज़ किया है इस तरह से, जो मैंने मिक्सर जार में ही पीस लिया है, और एक बाउल यह बेसन लगेगा, और हाफ टेबल स्पून या नमक यूज़ करेंगे, और पानी जो यूज़ करना है वो आधे से ज़्यादा ग्लास पानी लगेगा, तो प्रोपोर्शन ध्यान में रखें। तो यह मैं पानी डाल देती हूँ, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, फिर नमक डाल देंगे। नमक को हम अच्छे से इसमें घोल देंगे, इसलिए चलाते जाना है, मिक्स करते जाना है पानी में नमक। और ध्यान रखना है हमने नमक स्टार्टिंग में ही डाल लिया है। और यह हम चावल का आटा यानी राइस फ्लोर डाल देंगे। हमें बाइंडिंग चाहिए, इसके लिए हम यहाँ कॉर्न फ्लोर यूज़ करेंगे एक चम्मच, इसके जगह हम मैदा भी यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें बाइंडिंग मिल जाए। फिर बेसन डाल देते हैं, इसे अच्छे से मिक्स करते जाओ। इसमें बबल दिखने नहीं चाहिए, इस तरह से कंटिन्यूसली 5 मिनट तक मिक्स करते जाना है। बाद में चम्मच का यूज़ करते हुए हम इसे जो गुठलियाँ बन जाएगी वो मिटा लेंगे। अब गैस पे रख दिया है मैंने, मीडियम फ्लेम पे ही हमें ये प्रोसेस करनी है, तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। जो चावल का आटा है वो नीचे बैठ जाता है, इसलिए चम्मच चलाते जाना है। देखिए 5 मिनट के अंदर ही ये गाढ़ा बनते नज़र आएगा, इस तरह से चम्मच चलाते जाइए, ये और गाढ़ा बन गया है। चम्मच का निकाल लेंगे, फ्लेम मीडियम ही रखना है, फ्लेम को हम नहीं बढ़ाएंगे। चम्मच चलाते जाइए, इसकी कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सख्त चाहिए, गाढ़ी चाहिए, इसलिए हम इसे 5 मिनट ढक देंगे और अच्छे से पकने देंगे। फिर 5 मिनट बाद ये पूरा अच्छे से पक गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। अब इसे थोड़ा हम ठंडा होने देंगे, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें जो भी प्रोसेस करनी है वो गुनगुना रहेगा मिक्सचर तो ही अच्छे से बनती है। तो 5 मिनट के बाद इसे स्टीम आने देंगे। अगर हम देखेंगे तो यहाँ जो भी हमने ये ढक्कन रखा था उस पर स्टीम आ चुकी है, तो ये सारा मिक्सचर मैं कंटेनर में निकाल लूँगी। पहले हाथ में ऑयल लगा लेंगे, कंटेनर में निकालते जाइए। इस तरह से स्मैश करते जाइए, 3-4 मिनट हम ये स्मैश कर लेंगे अच्छे से। फिर बाद में फिर से ऑयल लगा लीजिए हाथ को, अगर ये चिपक रहा होगा तो। छोटी छोटी लुइयां हम लेंगे इससे, जो मार्केट में मिलता है कुरकुरे उसी तरह का हम टेढ़ा मेढ़ा शेप देंगे। यहाँ दोनों हाथ से प्रेस करूँगी मैं, इस तरह से उंगलियों का यूज़ करते हुए टेढ़ा मेढ़ा शेप आ गया है।
शेप तो हम जो चाहे वो दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को कुछ अलग से दिखने के लिए ये शेप हम देंगे। इस तरह से सारे हमें कर लेने हैं। मैंने यहाँ थोड़े बताए हैं आपको। फिर मैं एक लुई जो मैंने बनाई थी उसका इतना बन गया है, तो बाद में देखिए कितनी हमें अभी बनानी है। तो इसका मैं आपको पहले फ्राई करके बता दूँगी। यहाँ मैंने ऑयल रख दिया था। जब तक ये गर्म होगा तब तक मैं जो दूसरा शेप कैसा है वो भी बता देती हूँ। इस तरह से बड़ी लुई मैंने तोड़ ली है, इसे ऑयल लगा लिया है अच्छे से। बेलन का यूज़ करते हुए मैं इसे अच्छे से बेल लूँगी। इसकी थिकनेस हमें थोड़ी मोटी परत रखनी है, और ये साइड से जो भी आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे हम क्निफ के मदद से काट लेंगे। और जो वेस्टेज रहेगा वो भी हम रीयूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ स्क्वायर का शेप दूंगी इस तरह से। देखिए हमें थिकनेस इस तरह की चाहिए। तो यहाँ ऑयल भी गर्म हो चुका है। ऑयल करते समय हमें ये ध्यान रखना है, जब हम ये डालेंगे तब हम पूरी फ्लेम को बड़ी फ्लेम रखेंगे, पूरे डाल देंगे फिर फ्लेम कम कर देंगे, क्योंकि ये फ्राई करने में ही पूरी कुरकुरे बनाने की कलाकारी है। अगर ये गलत हो गया तो आपके कुरकुरे अच्छे नहीं बनेंगे, ये कुछ ऑयली बन जाता है, किसी का कुरकुरा नहीं बनता है, थोड़ा क्रिस्पी नहीं बनता है। तो अगर ये जो टेक्निक है फ्लेम का, ये सारा उस पर डिपेंड है। यहाँ हम 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। बाहर का लेयर सेट होने के लिए हाई फ्लेम और मीडियम फ्लेम में यह अंदर से पक जाता है। तो आवाज़ आपने सुनी होगी शायद, एकदम कुरकुरी सी आवाज़ आई। इसकी आवाज़ ही बता देती है कि ये कितना क्रिस्पी और क्रंची बन गया है। इसे हम पूरा फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखना है ये पूरा फ्राई करने पे ही डिपेंड है। बाद में ये स्क्वायर जो मैंने बताए थे वो भी फ्राई कर लेंगे। इसके लिए भी सेम वही प्रोसेस, डालते समय बड़ी फ्लेम, पूरा डालने के बाद मीडियम फ्लेम, बाहर का लेयर सेट होने देना है हमें। अब मैं फ्लेम कम कर दी। देखो कैसे फ्लोट करते आए हैं, नज़र पूरे छूट गए हैं। 7 मिनट तक इसे आराम से होने दे, जल्दबाजी ना करे। देखिए मैं आपको तोड़ के बता देती हूँ कितना क्रिस्पी है, ये अंदर से पूरा फूल चुका है। इजीली टूट जाता है, आवाज एकदम टकाटक आवाज आ रही है। यह हम चाट मसाला, जलजीरा पाउडर या मैगी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए। इस
तरह से मैं पूरा मिक्स कर लूँगी। देखिए पूरा मिक्स हो चुका है और आवाज़ तो वही सेम टकाटक कुरकुरे की आ रही है और टेस्ट एकदम बढ़िया। जो मैं आपको बता रही हूँ वही प्रोसेस से आप अगर करोगे तो एकदम बढ़िया सा बाहर जैसे कुरकुरा हमारे सामने हाजिर है। इसे हम एनी टाइम बना सकते हैं, एनी टाइम खा सकते हो, जब भी इच्छा हुई आपके घर के सामान में, कम से कम सामान में ये बन जाता है और टेस्ट बिल्कुल वही मिल जाती है। प्लीज सब्सक्राइब RR कुकिंग एंड प्लेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। थैंक यू।